एक ओर जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसे लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर कई योजनाएं चला रही है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही एक मामला धार जिले के धर्मपुरी तहसील के गुजरी संकुल के अंतर्गत ग्राम पटेलपुरा व भैसाखो के स्कूल बता रहे हैं। यहां पर एक स्कूल झोपड़ी में संचालित हो रहा है तो एक स्कूल खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में चल रहा है। यहां आने वाले छोटे छोटे बच्चे कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि यह दोनों स्कूल पहले ग्राम कोठीदा में लगती थी, जहां कारम बांध बनने से स्कूल भवन पानी में डूब गया। सवाल यह खड़ा होता है कि दो साल बीत जाने के बाद भी अब तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे आखिर कब तक झोपड़ी व पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे? जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि ग्राम कोठीदा में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 304 करोड़ की लागत से बांध निर्माण कार्य किया गया था। बांध निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार होने के कारण बांध फूटने से किसानों के सपने तो अधूरे रह गए, किंतु छोटे छोटे बच्चों की भी मुसीबतें पैदा हो गई। साल 2022 के जून में वर्षा का पानी बांध में रोका गया था, जिससे बांध लबालब भर गया। वहाँ स्थित प्राथमिक स्कूल भी पानी में डूब गया। स्कूल भवन का नया निर्माण नहीं होने से शिक्षा विभाग ने आनंद फानंद में उतावली, पटेलपुरा, भैसाखो के स्कूलों को निजी भवन में संचालित करना शुरू कर दिया, किंतु कुछ माह से निजी भवन में स्कूल लगना बंद हो गए। अभी स्कूलें झोपड़ी व खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में लग रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि शिक्षा विभाग को भवन निर्माण के लिए दो साल बीत जाने के बाद भी आखिर मुआवजा राशि क्यों नहीं दी जा रही है? बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बात करें पटेलपुरा स्कूल की, जहाँ झोपड़ी में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। पटेलपुरा स्कूल में लगभग 28 छोटे छोटे बालक व बालिकाएं पढ़ती हैं। यह लकड़ी की झोपड़ी पहाड़ी के ऊपर है, रास्ता भी इतना ऊबड़ खाबड़ है। यहां दो शिक्षक पदस्थ हैं, मध्याह्न भोजन भी मिलता है, जबकि भैसाखो स्कूल जहां खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में 24 बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहां बच्चों को बैठने के लिए दो दरी बिछाकर पेड़ पर बोर्ड लटकाकर पढ़ाई शुरू कर दी जाती है। यहां बच्चों के लिए ना स्कूल भवन ना ही कमरे खुले आसमान में, पढ़ाई ही नहीं मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ खुले में शौच करने को भी मजबूर है छात्र। भारती न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। सरपंच साहब, वो भैसाखो और पटेलपुरा में स्कूल एक पेड़ के नीचे लग रही है, एक झोपड़ी के नीचे लग रही है, क्या है पूरा मामला, क्यों लग रही है? ये क्या है कि हमारे पास ये डैम का काम चालू हुआ, जब से हमारे पास क्या है कि नीचे रहते थे हमारे पास भवन थे, स्कूलों के भवन थे, वो सब डूब में गए। डूब में जाने के बाद में सीओ साहब और ये सब आए थे वहाँ पे, ऊपर गांव में ऊपर शिफ्ट कर गए थे स्कूलें, तो वो कई टापरी में लगा रहे हैं और बाकी एक झाड़ नीचे भी लगा रहे हैं, ऐसा करके अभी स्कूल का एडजस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो अभी उसका कहीं निर्णय नहीं आया है, पर ऐसा मतलब बता रहे हैं कि अभी उसका टेंडर वगैरह हो गया है तो जल्दी बनेगा स्कूल, ऐसा चल रहा है। क्या नाम आपका? करण वसुंधरा, सरपंच प्रतिनिधि कोटीदा। प्रदेश की सरकार ने आश्वासन दिया था कि कारम डैम जो डूब प्रभावित लोग हैं उनको हम मुआवजा देंगे, उचित मुआवजा देंगे, और स्कूल बच्चों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य विभाग के लिए अस्पताल की सुविधा करेंगे, रोड की करेंगे, पानी की, बिजली की सब सुविधा करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया था। परंतु आज तक कोई भी शासन की तरफ से उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली है, और अभी तक वहां के जो कारम डैम से प्रभावित किसान थे वो अभी तक परेशान है, भटक रहे हैं, और उनके बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं मिल रही है। इस प्रकार से जो वहां के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है वो हम आज तक देख रहे हैं, और अभी जल्दी से जल्दी अगर नहीं होगा तो फिर से हम इसके किसानों के समर्थन में इस आंदोलन को और सरकार के समक्ष जाएंगे और आंदोलन करेंगे। उनके अधिकार के, हक अधिकार के लिए मैं उनके साथ सदैव लड़ाई और सरकार के सामने सदैव धरना प्रदर्शन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े, मैं किसानों के साथ में सदैव रहूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अन्य किसानों को जो सुख सुविधाओं से भी वंचित है, वहां पर रोड नहीं, अभी तक बिजली नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहां के पढ़ने वाले बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आज जो स्कूल थी वो भी तोड़ दी, और जो भी सरकारी भवन थे वो तोड़ दिए। आज तक सरकारी भवनों को वापस बनाया भी नहीं, और न ही हमारे लोगों को सुख सुविधा मिली। पांचीलाल बेड़ा, धर्मपुरी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।